हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सॉल्यूशंस। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब हम पनीर की स्लाइस को चॉप करेंगे स्क्वायर में। अब आप देख सकते हैं हमने पनीर के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब हमने एक कटोरा लिया, उसके अंदर अब हम दही डालेंगे। दही आप अपने पनीर और बाकी इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं, और पानी अगर आपकी दही पतली है तो आप पानी भी उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से डालेगा। अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी खटाई, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक टेस्ट के अनुसार। ये देख सकते हैं अब हम इनको फेंट रहे हैं। इसे देख सकते हैं हमारा मसाला और दही फिट गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर डालेंगे। जो सब्जियों का कलर हम यूज़ करते हैं वो हम डाल सकते हैं, कोई भी। हमने रेड ऑरेंज लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेगा क्योंकि थोड़े से में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देख सकते हैं इसने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस से क्या होगा, थोड़ा सा पनीर टिक्का में खटासपन भी आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। देख सकते हैं अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च मिलाएंगे पेस्ट में, फिर थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज। अगर जो लोग प्याज नहीं खाते वो खाली टमाटर और शिमला मिर्च का पनीर टिक्का बना के खा सकते हैं। हम इसमें पनीर की स्लाइसेस मिलाएंगे। अब इसको हम फेंटेंगे जिससे सारा पेस्ट टमाटर प्याज शिमला मिर्च और पनीर के ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे कि सारा पेस्ट आ चुका है। अब हम एक टूथपिक लेंगे, उसके ऊपर धीरे धीरे एक एक जैसे पहले पनीर लगा दिया, फिर प्याज, फिर टमाटर और फिर शिमला मिर्च। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब जो हमने पनीर की स्टिक्स बनाई थी पनीर टिक्के की, अब हम वो स्टिक्स रखेंगे धीरे धीरे, और इसको आप लोग अभी हाई फ्लेम पर ही रखना। आप ये देख सकते हैं हमने सारे पनीर की टिक्के स्लाइसेस इसके अंदर रख दिए हैं और हमने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ढकी रहने देंगे। अब हम इसको लेड हटाकर चेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसको आप हिला दीजिएगा। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।